स्वागत है पूजा मिश्रा के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़। आए बढ़ते हैं आज की पांच बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के राष्ट्र शुभारंभ समारोह में भाषण देंगे। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित साल भर चलने वाली पहलों का अनावरण किया जाएगा, जिसमें 30 से अधिक अभियान और 15,000 से अधिक कार्यक्रम और योजनाएं शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं एएसपी प्रमुख पर भी विधानसभा चुनाव लड़ने का दबाव बन गया है, जबकि वह आजमगढ़ से लोकसभा सांसद है। लेकिन चर्चा है कि अखिलेश यादव अपने पिता और पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र मैनपुरी की किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वही राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। राज्य में एक ही दिन में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट से संक्रमित 25 नए मरीज सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में इस वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या बढ़ाकर 118 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित सभी मरीजों की स्थिति फिलहाल सामान्य है, जबकि राज्य में एक ही दिन में 4,000 से ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। वही राजधानी देहरादून में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला है। दिल्ली में वायु प्रदूषण पर शिकंजा कसने के लिए अब परिवहन और सख्ती करने जा रही है। 10 साल पुराने डीजल वाहनों के बाद 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती की तैयारी की गई है। मियाद पूरी कर चुके वाहनों को डी रजिस्टर किया जाएगा। इसके बाद भी अगर रेट्रोफिटमेंट के विकल्प को वाहन मालिक नहीं लगाते हैं तो वाहन को कई चरणों में स्क्रैप किया जाएगा। दिल्ली में 15 साल पुराने करीब 30 लाख पेट्रोल वाहन है। वाहनों का पंजीकरण रद्द होने के बाद सड़क पर इन वाहनों को चलने पर जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा। कोरोना के केसों में गुरुवार यानी आज रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं, ऐसा 8 महीनों बाद देखने को मिला है। इसके साथ ही साथ 491 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 317,532 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़कर 9,287 हो गई है। तो ये तो आज की बात बड़ी खबरें। जिस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।